जीवनपुर नामक एक गांव में गोपाल अपनी बीवी कविता और छोटी बेटी बिट्टी के साथ रहता है। वो अपने खेत में तरबूज उगाकर बाजार में बेचता है और उसी से अपना घर चलाता है। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ दिनों से उसके तरबूजों की इतनी ज्यादा बिक्री नहीं हो रही थी, जिस कारण वो काफी परेशान सा रहने लगा था। तरबूज ले लो तरबूज, ताजा ताजा मीठे ठंडे तरबूज, दाम में भी मस्त और स्वाद में भी और भी ज्यादा जबरदस्त। एक बार खाओगे तो दोबारा लेने आओगे, तरबूज ले लो तरबूज। हे भगवान, आज भी मेरी बोनी होगी या नहीं, राम जाने। गोपाल निराश होकर घर लौटता है। बिट्टी के बापू बिट्टी के स्कूल की फीस ना भरने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और साथ ही हमारे घर मालिक ने भी कह दिया है कि अगर 2 हफ्तों के अंदर पिछले 3 महीनों का किराया नहीं दिया तो वो हमसे हमारा घर खाली करवा लेंगे। न जाने कब हमारी चिंताओं का ये सिलसिला खत्म होगा। हप्पू सेठ के भी मैंने पैसे लिए थे, 2 दिन में उसका बंदोबस्त नहीं किया तो वो भी मुझे छोड़ेगा नहीं। गर्मी जा चुकी है इसलिए अब तरबूज की इतनी बिक्री नहीं हो पा रही है जी। मैं तो कहती हूँ कि कुछ और काम कीजिए। काम ढूंढने की सारी कोशिशें की मैंने कविता, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला मुझे। उसी के कारण तो मैं और भी ज्यादा परेशान हूँ। 2 दिन बाद गोपाल के घर पर हप्पू सेठ अपने आदमियों के साथ आ जाता है और गोपाल के पैसे न देने पर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या गोपाल के बच्चे? मुझे माफ कर दीजिए हप्पू सेठ, मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी आपके पैसों का बंदोबस्त करने की खातिर, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए हप्पू सेठ, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ हप्पू सेठ जी, माँ जी के इलाज के लिए ही पैसे लिए थे, अब माँ जी नहीं रही और साथ ही बहुत सारे खर्चे भी हो गए उसके अलावा, और हमारे खेत के तरबूज भी नहीं बिक रहे हैं, इसलिए इतनी समस्याएं हो गई हैं। नहीं, अब मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनने वाला, बस बहुत हुआ अब। ए ढोलू भोलू, जाओ जितने भी पैसे गहने जेवरात और बर्तन पड़े हैं इनके पास सारे ले लो, और अब तेरा खेत भी मेरा हुआ, इस सब के बाद ही हमारा हिसाब चुकता होगा। नहीं नहीं सेठ, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको दे दूंगा सारे पैसे, यूं इस तरह मेरे खेत और मेरे घर के जेवरात को मत हड़पिए। हाँ सेठ, हम आपसे विनती करते हैं। चुप रहो तुम दोनों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोनों से मुझे पैसे कभी नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए मैं इस उल्टे तरीके से पैसे हड़प रहा हूँ। हप्पू के आदमी गोपाल के घर पर पड़े हुए सारे जेवरात और कीमती चीजें एक बोरी में भर लेते हैं और हप्पू सेठ उसके खेत के कागजात भी हड़प लेता है। अब मिली मुझे राहत की सांस, अब मैं आराम से जा सकता हूँ क्योंकि अब सही मायनों में हिसाब चुकता हुआ है। गोपाल और कविता दोनों बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों को पैसों की कमी के चलते घर भी खाली करना पड़ता है और अब वो दोनों अपनी बेटी के साथ जंगल की एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। माँ बापू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को दे दो ना। बिट्टी लाडो वो। फिक्र मत करो बिट्टी, अभी तुम्हारे बापू तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाते हैं, रुको। गोपाल पेड़ से फल तोड़कर बिट्टी को देता है और उसकी भूख मिटाता है। वो फिर से कई सारी जगहों पर जाकर काम ढूंढने लगता है, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक गया हूँ मैं अभी, बस अब मुझसे और सहा नहीं जाएगा ये सब, हार मान रहा हूँ मैं।
उदास और थक हार कर आखिर में गोपाल जंगल के पास के एक बहुत ही पुराने कुएं में कूद जाता है। लेकिन उस पुराने कुएं में कूदने के बाद गोपाल एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया में उसे एक जादुई राजकुमार मिलता है जिसके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। ये मैं कहाँ पहुँच गया और आप कौन हो? हाँ, मैं इस जादुई दुनिया का राजकुमार हूँ, पर तुम इस कुएं में क्यों कूदे थे? गोपाल अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताता है। तुम अपनी जान देने के लिए उस कुएं में कूदे थे, लेकिन असल में वो कुआं एक जादुई कुआं है। वो इस जादुई दुनिया में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है। ये सब अविश्वसनीय है, सच में मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ गोपाल, लेकिन अब तुम्हारी सारी चिंताओं को मैं दूर कर दूंगा अपनी जादुई शक्तियों से। राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई चक्की प्रकट करता है। इस जादुई चक्की को घुमाने पर ढेर सारे सोने के सिक्के, नोटों की गड्डियाँ निकलती हैं। ये सब देख गोपाल की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। ये क्या, ये तो गजब ही हो गया। अब इस जादुई चक्की से तुम बहुत अमीर बन सकते हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस जादुई चक्की का इस्तेमाल गलत काम में नहीं बल्कि सही काम में ही करोगे और गरीबों का भी भला करोगे। धन्यवाद, मैं सदा के लिए आपकी इस मदद का एहसान मंद रहूंगा राजकुमार जी। गोपाल फिर से इंसानी दुनिया में लौट आता है और वो उस जादुई चक्की के जादू से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और एक आलीशान से घर में रहकर एक राजसी जिंदगी जीने लगता है। ये सब देख हप्पू सेठ को बहुत आश्चर्य होता है और वो गोपाल से बहुत जलने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। कल का गरीब गोपाल आज अमीर कैसे बन गया? नहीं, इस गांव में सबसे अमीर सिर्फ मैं ही रहूंगा, मुझसे आगे कोई नहीं जा सकता। हप्पू गोपाल के बंगले में उसे मारने जाता है, तभी उसे वहां पर गोपाल की जादुई चक्की दिखाई देती है जिसे घुमाकर गोपाल ढेर सारे सोने के सिक्के और नोटों की गड्डियां इकट्ठा कर रहा होता है। अरे ये क्या बला है भाई, ये चक्की तो सोने के सिक्के और नोटों की गड्डियां निकाल रही है। अच्छा, तो ये राज है इस गोपाल के अमीर होने का, अब मैं इसको मजा चखाऊंगा। हप्पू गोपाल के जाने का इंतजार करता है और उसके बाद वो उस जादुई चक्की को चुराने के लिए उसके पास जाता है। आया था मैं यहाँ गोपाल को जान से मारने, लेकिन अब मुझे उसे मारने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसकी ये जादुई कीमती चक्की जिससे वो अमीर बना है उसे ही चुराऊंगा और मैं और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। हप्पू उस जादुई चक्की को जैसे ही हाथ लगाता है तभी उस चक्की से एक जहरीला सांप निकलता है जो हप्पू को डस लेता है और हप्पू सिंह वहीं गिर जाता है। और तभी वहीं गोपाल आता है और हप्पू सेठ को तड़पते हुए देखता है। अरे हप्पू सेठ, ये क्या हो गया आपको? सांप 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 सांप। ये सुनकर गोपाल तुरंत हप्पू सेठ को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। गोपाल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत बर्ताव किया और तुम्हारे घर चोरी करने की कोशिश भी की, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, तुम बहुत महान हो। गोपाल मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो और दूसरों में खुशियां बांटते रहो। गोपाल तुमने मुझे बहुत बड़ा संदेश दिया है जिससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है, और आज से मैं भी तुम्हारे जैसा दयालु और ईमानदार बनने की पूरी कोशिश करूंगा।
और कभी किसी का अहित नहीं करूंगा।